मुक्ता ने अपना मन पक्का किया और नॉर्मल जीन्स और टी शर्ट पहनकर कमरे से बाहर चली गई। मुक्ता ने देखा कि दादी जी, वरुण और रेनू लिविंग रूम में ही बैठे थे। मुक्ता ने एक गहरी सांस ली और कैजुअली कहा, माँ, मेरी दोस्त जानवी आ रही है। आज हमें एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड असाइनमेंट मिला है, तो इसलिए आज मैं लाइब्रेरी जाने का सोच रही हूँ। रेनू ने मुक्ता की बात पर हामी भर दी, तो मुक्ता ने अपना बैग पकड़ा और बाहर जाने लगी। अरे वाह, ये उतना मुश्किल नहीं था जितना मैंने सोचा था। माँ तो जल्दी से मान भी गई, लेकिन मुक्ता की खुशी ज्यादा देर कहाँ टिकने वाली थी। मुकु, तेरे बैग में क्या है? वरुण के इस सवाल को सुनने के बाद मुक्ता के कदम अपनी जगह पर ही रुक गए। वरुण के इस सवाल की मुक्ता ने जरा भी उम्मीद नहीं की थी, इसलिए वरुण के उन शब्दों को सुनने के बाद मुक्ता ने पलट कर उसकी तरफ देखा और अपना एक एक वर्ड संभल कर बोला, भाई बैग में और क्या होगा, किताबें हैं, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो? मुक्ता वैसे तो बहुत घबरा गई थी, लेकिन उसने अपने चेहरे पर ये बिल्कुल भी आने नहीं दिया। वरुण ने मुक्ता पर अपना शक जताते हुए कहा, मुक्कु, क्या तू सच में लाइब्रेरी ही जा रही है, या फिर हम सबसे झूठ बोलकर कहीं और जाने का प्लान है तेरा? वरुण के बात करने के तरीके में कुछ अजीब सा था। अपने भाई के आखिरी शब्द सुनने के बाद मुक्ता के तो पैरों के नीचे से जमीन ही सरक गई थी। मुक्ता ये बिलीव ही नहीं कर पा रही थी कि वरुण इतना एक्यूरेट अंदाजा लगा सकता था। कहीं भाई के साथ भी कोई मैजिक नहीं हुआ है ना? इन्हें क्या लोगों के दिल में चल रही बातें सुनाई देने लगी हैं? मुक्ता ने अपने दिल ही दिल में कहा। फिर कुछ सोचने के बाद बहाना बनाते हुए मुक्ता ने कहा, भाई आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं आप सबके साथ झूठ बोल रही हूँ? और वैसे भी मैं पढ़ाई के अलावा कुछ करती हूँ क्या जो कोई मुझे आफ्टर कॉलेज आज यूं ही बुलाएगा? मुक्ता की इस बात को सुनकर दादी जी और उसकी माँ रेनू कन्विंस्ड हो गई थी। रेनू को अपनी बेटी पर पूरा भरोसा था और दादी जी को अपनी मुक्कू की शक्ल पर, लेकिन वरुण अभी भी मुक्ता की बात पर बिलीव नहीं करने वाला था। उसके दिमाग में कई सारे सवाल चल रहे थे। जैसे ही उसने एक और लॉजिकल सवाल करने के लिए अपना मुंह खोला, सबने कुछ सुना, कोई डोर बेल बजा रहा था। ये सुनकर मुक्ता की सांस में सांस आई। उसने अपनी खुशी छिपाने की कोशिश की और कैजुअली कहा, मैं देखती हूँ। जैसे ही मुक्ता ने दरवाजा खोला, उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। मुक्ता ने देखा कि उसके सामने दरवाजे के बाहर जो खड़ी थी वो कोई और नहीं, जानवी थी। जानवी, अंदर आओ ना। मुक्ता ने जानवी का हाथ पकड़कर उसे अंदर बुलाया। जानवी पहली बार मुक्ता को दाग धब्बे वाले अगली मेकअप में देख रही थी, इसलिए वो मुक्ता को निहारने लगी। माँ, ये जानवी है, मेरी कॉलेज की फ्रेंड। मैं इसके साथ ही लाइब्रेरी जा रही हूँ असाइनमेंट्स कंप्लीट करने के लिए। मुक्ता ने वैसे तो जानवी को इंट्रोड्यूस करने के लिए कहा था, लेकिन वो इनडायरेक्टली जानवी को अपना जाने का बहाना भी बता रही थी। जानवी को खामोश खड़े देखकर मुक्ता ने उसके हाथ को हल्के से दबाकर कुछ कहने का इशारा किया। जानवी ने मुक्ता के इशारे को समझ लिया और सबसे कहा, नमस्ते, मैं जानवी, आप सबसे मिलकर अच्छा लगा। आंटी, क्या मैं मुक्ता को अपने साथ लाइब्रेरी लेकर जा सकती हूँ? वो हमें कल ही असाइनमेंट्स सबमिट करने हैं। जानवी की कही बातें सुनने के बाद रेनू को लगा जैसे वो दूसरी मुक्कू ही थी। उन्हें जानवी बहुत अपनी सी लगी, इसलिए उन्होंने मुस्कुराते हुए जानवी से कहा, अरे बेटा क्यों नहीं, जरूर जाओ और बहुत मन लगाकर पढ़ाई करो। जितनी खुशी इस वक्त रेनू के चेहरे पर थी, उतनी ही डिसअपॉइंटमेंट दादी जी के चेहरे पर थी। उन्होंने वैसे तो
अपनी नाराजगी जाहिर नहीं की, लेकिन जानवी की तरफ देखकर मन ही मन में कहा, ये मुक्को भी ना अपने जैसे ही दिखने वाली सहेली ढूंढी है। उसकी भी कोई गलती नहीं है, जैसी शक्ल है वैसे ही लोग आसपास होंगे। मुक्ता ने जैसे ही देखा कि उसे जाने की परमिशन मिल गई है, वो घर से निकलने के लिए तैयार हो गई। ठीक है माँ, हम निकलते हैं, बाय, मुक्ता ने अपनी माँ रेनू से कहा और जानवी के साथ वहां से चली गई। उन दोनों को जाते हुए देखकर वरुण के दिमाग में चल रहा शक और भी गहरा हो गया। घर से निकलते ही मुक्ता और जानवी ऑटो में बैठे और कॉलेज के लिए निकल गई। थैंक यू जानवी, मैं सच कहूँ तो घर में सबसे झूठ नहीं बोलना चाहती हूँ, लेकिन मुझे ये भी पता है कि पार्टी का कहती तो कभी परमिशन नहीं मिलती, मुक्ता ने जानवी से कहा। उससे बात करते हुए मुक्ता अपना मेकअप रिमूव करने लगी। जानवी भी मुक्ता की इस बात से अग्री करती थी। आई अंडरस्टैंड, मैंने भी घर पर ये नहीं बताया है कि हम पार्टी के लिए जा रहे हैं। अगर फैमिली बैकग्राउंड की बात करें तो हम लोगों में और बाकी फ्रेंड्स में फर्क है। ये कहने के बाद जब जानवी की नजर मुक्ता पर पड़ी, वो देखती ही रह गई। उसने शॉक्ड होते हुए मुक्ता से कहा, मुक्ता एक्चुअली तुम्हारी स्टोरी पर मैं बिलीव नहीं कर पाई थी, लेकिन तुम्हारे इन दो चेहरों को देखकर तो मैं शॉक्ड हो गई हूँ। जानवी की इन बातों को सुनकर मुक्ता हंसने लगी। दूसरी तरफ शहर के किसी दूसरे कोने में RRSV कॉलेज के कॉमन हॉल का पूरा लुक ही बदल गया था। अक्सर ब्राइट और क्लासी दिखने वाला वो कॉमन हॉल इस वक्त किसी डिस्को वाला कूल और रॉकिंग फील दे रहा था। कलरफुल लाइट्स, तरह तरह का फास्ट फूड, अलग अलग फ्लेवर्स के कॉकटेल्स और मॉकटेल्स, इन सब का मजा लेते यंगस्टर्स। उन सब ने बहुत ही ट्रेंडी और फैशनेबल कपड़े पहने हुए थे, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा अटेंशन तो बस मिहिर की ओर ही था। एक नॉर्मल सी ब्लैक जीन्स और व्हाइट शर्ट पहने हुए मिहिर कोई कॉकटेल पीते हुए एक कोने में बैठा हुआ था। शर्ट की दो तीन खुली बटन्स में से उसके एब्स का ट्रेलर कोई भी देख सकता था। हाथ में पकड़े ग्लास में से एक सिप लेते हुए मिहिर ने प्रखर से कहा, देख मैं जानता हूँ कि तू मुझसे छिपाते हुए विस्की की बोतल लेकर आया है, बस कोई गड़बड़ मत करना। मैं डीन की तरफ से एक और बार लेक्चर नहीं सुनना चाहता हूँ। प्रखर की चोरी पकड़ी गई थी, लेकिन उसने मिहिर को अश्योर करते हुए कहा, ब्रो डोंट वरी, मैं किसी को भी इस बात का पता नहीं लगने दूंगा। जब प्रखर मिहिर से बात कर रहा था, कोई उनके बीच में आकर खड़ा हो गया। प्रखर ने देखा कि ब्लैक शॉर्ट ड्रेस और रेड हाई हील्स के साथ काव्या आज कुछ अलग ही लग रही थी। हे बॉयज, कहीं तुम दोनों ने मेरा बहुत वेट तो नहीं किया, काव्या ने इतराते हुए सवाल किया। तो मिहिर ने स्माइल करते हुए कहा, अच्छी लग रही हो काव्या, अफसोस कि मैं बस मेरी गर्लफ्रेंड का ही वेट कर रहा हूँ। मिहिर के जवाब से सैटिस्फाइड लगते हुए काव्या प्रखर की तरफ देखने लगी। वो अजीब तरह से काव्या को घूरे जा रहा था। क्या फाइनली आज प्रखर मुझे नोटिस कर रहा है? चलो अच्छा है, इतनी देर की ग्रूमिंग और इस ड्रेस के बाद मुझे अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। कुछ सोचने के बाद जब काव्या प्रखर से कुछ कहने वाली थी कि अचानक से हॉल में फुसफुसाने की आवाज आने लगी। जब मिहिर और प्रखर के साथ काव्या ने पीछे मुड़कर देखा, मायरा और ईशान अंदर आ रहे थे। मायरा ने एक सिंपल सी व्हाइट ड्रेस पहनी थी, तो ईशान बहुत ही कैजुअल सा ब्लू टी शर्ट और ट्राउजर्स पहनकर आया था। उन दोनों को देखकर मिहिर के चेहरे पर आई हुई स्माइल कहीं गायब हो गई। ये कमीना यहाँ क्या कर रहा है, मिहिर ने कहा। तो उसके सवाल पर जवाब देते हुए काव्या बोली, जब मायरा ने आने के बारे में कहा था,
मैं इस बात का अंदाजा लगा चुकी थी। ये दल बदलू लड़की कुछ भी सही नहीं करती है, जहाँ जाती है समझो स्कैंडल बन ही जाता है। काव्या के आखिरी शब्दों तक मायरा ईशान के साथ मिहिर को अप्रोच कर चुकी थी। क्या पार्टी शुरू तो नहीं हो गई? हमें लेट हो गया है क्या? मायरा ने उन सब के साथ क्लोज होने का प्रिटेंड करते हुए कहा। नहीं नहीं, जब तक मिहिर की गर्लफ्रेंड नहीं आ जाती कोई पार्टी शुरू नहीं होने वाली। अपने आप को इतना इम्पोर्टेंट समझने की कोई जरूरत नहीं है। इस बार जिसने मायरा का मुंह बंद किया था वो कोई और नहीं प्रखर था। उसकी ये बात सुनकर मायरा का चेहरा बिगड़ गया। आगे वो कुछ कह ही नहीं पाई और जाकर ड्रिंक्स लेने लगी। मिहिर की नजरें ईशान के चेहरे पर टिकी रही। इस वक्त जिस तरह की खुन्नस मिहिर के चेहरे पर थी वो पार्टी में मौजूद बाकी लोगों से छिपी नहीं थी। मिहिर, ईशान और मायरा के बारे में गॉसिप करते हुए किसी लड़की ने कहा, क्या मिहिर और ईशान अभी भी मायरा की वजह से झगड़ रहे हैं? मुझे तो लगा कि ये चैप्टर 2-3 महीनों पहले ही खत्म हो गया था। ये बात सुनकर किसी लड़के ने कहा, क्या यार तुम भी, ये सारी बातें इतनी आसानी से खत्म कहाँ होती है? जब से ईशान और मायरा वापस आए हैं मिहिर की आंखें गुस्से से ही भरी होती हैं। ये डिस्कशन सिर्फ इसी ग्रुप में नहीं पूरे हॉल में चल रहा था। बहुत देर तक उन तीनों के बारे में बातें करने के बाद एक नतीजे पर पहुंचते हुए उस लड़की ने कहा, लेकिन अब तो इस सीन में मुक्ता भी आ गई है। मुझे नहीं लगता कि मुक्ता की खूबसूरती के आगे ये मायरा टिक पाएगी। बस उस लड़की के कहने की देरी थी और पार्टी हॉल का दरवाजा एक बार फिर से खुला और एक रोज रेड कलर का नी लेंथ वन पीस पहनकर मुक्ता अंदर आई। उसने कानों में मून शेप के इयररिंग्स पहने हुए थे और ग्लास हील्स के साथ मुक्ता बहुत ही सिंपल लिपस्टिक के साथ भी किसी प्रिंसेस से कम नहीं लग रही थी। RRSV कॉलेज में आने के बाद ये मुक्ता की पहली पार्टी थी और उसमें भी मुक्ता का इतना खूबसूरत दिखना उसकी पॉपुलैरिटी और फॉलोवर्स को बढ़ा रहा था। ओह माय गॉड, सच में ये कितनी ब्यूटीफुल है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये अगली बॉलीवुड सुपरस्टार बनने का पोटेंशियल रखती है, किसी ने कहा। तो किसी और ने कहा, इतनी खूबसूरती के सामने मायरा क्या, कोई भी नहीं टिक सकता। पार्टी में चल रही ये बातें मायरा के कानों से बची नहीं थी। उसने अपनी आंखें रोल करते हुए मिहिर की तरफ देखा, लेकिन मिहिर अपनी जगह पर नहीं था। मायरा ने देखा कि मुक्ता को देखते ही मिहिर खुद जाकर उसके सामने खड़ा हो गया। मिहिर ने मुक्ता का हाथ पकड़ा और झुककर उसके कानों में बोला, बेबी तुम जैसे मेरे ड्रीम्स में आई थी उससे भी ज्यादा कमाल की लग रही हो। मिहिर के ये शब्द सुनकर मुक्ता शर्मा कर मुस्कुराने लगी और उसने मिहिर से कहा, वैसे ये सब इस ड्रेस की वजह से लग रहा है, तुम भी कुछ कम हैंडसम नहीं लग रहे। एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हुए मुक्ता और मिहिर प्रखर और काव्या के पास चले गए। सो प्रखर, शुरू करते हैं, मिहिर ने कहा। मुक्ता ने देखा कि जानवी किसी कोने में अकेली ही खड़ी थी तो उसने जानवी की तरफ हाथ वेव करते हुए उसे अपने पास आने को कहा। मिहिर की बात को सुनकर प्रखर ने माइक को अपने हाथ में लेते हुए कहा, वी ऑल नो कि ये पार्टी क्यों हो रही है। मेरा बेस्ट फ्रेंड, मेरा भाई मिहिर हम सबको इसलिए पार्टी दे रहा है क्योंकि हमारी टीम फाइनल्स जीत गई है। सो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेट्स गो क्रेजी एंड एंजॉय द नाइट। प्रखर के आखिरी वर्ड्स के साथ पार्टी में आया हुआ हर कोई एक्साइटेड होकर चिल्लाने लगा। काव्या और मुक्ता जानवी के साथ बातें करने लगे। मायरा और ईशान अकेले ही खड़े थे।
और प्रखर मिहिर के कानों में कुछ कह रहा था। भाई, बोर होने से अच्छा है हम कुछ गेम्स ही खेल लेते हैं। मिहिर की नजरें तो बस मुक्ता पर ही टिकी हुई थी, तो इसलिए उसने ज्यादा सोचे बिना हामी भर दी। प्रखर ने सबका अटेंशन अपनी तरफ खींचते हुए कहा, मिस ब्यूटी, काव्या और नई लड़की जानवी, चलो हम सब कोई गेम खेलते हैं। प्रखर ने कहा तो गर्ल्स भी तैयार हो गई। जब सब यही डिस्कस कर रहे थे कि कौन सा गेम खेलना है, मायरा ने इंटरप्ट करते हुए कहा, मिहिर, मुझे लगता है कि पार्टी में हम भी इनवाइटेड हैं, तो हमें भी ये गेम खेलना है। मायरा की इस बात को सुनकर काव्या और प्रखर का मुंह बन गया। अब क्योंकि मायरा की वजह से ये पार्टी करने की परमिशन मिली थी, मिहिर ने ज्यादा रिएक्ट किए बिना उसे गेम में इन्वॉल्व होने को कहा। प्रखर ने ईशान और मायरा के प्रेजेंस को ज्यादा माइंड नहीं किया और सबको गेम समझाने लगा। सो गेम बहुत ही सिंपल है, लेकिन इस गेम से पता चलेगा कि आप अपने पार्टनर को कितना अच्छे से जानते हो। सो टीम में से किसी एक मेंबर से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और दोनों को भी उसका आंसर इस स्लेट पर लिखना है। अगर दोनों का आंसर सही हुआ तो आपकी टीम बहुत स्ट्रांग होगी और आपको एक पॉइंट भी मिलेगा। जिस टीम के ज्यादा पॉइंट्स होंगे वो विनर होंगे, ओके? प्रखर ने कहा। तो सब गेम के लिए एक्साइटेड हो गए। सात लोग होने से तीन ही टीम्स बन सकती थी, इसलिए जानवी ने अपने आप को एक्सक्यूज किया और कहा, मैं रेफरी बन जाती हूँ, मैं आपको क्वेश्चंस भी पूछूंगी और आप सबके पॉइंट्स को मैं नोट डाउन कर लूंगी। जानवी की बात पर सबने अग्री किया। मिहिर और मुक्ता, काव्या और प्रखर और मायरा के साथ ईशान की टीम बन गई थी। ईशान हमेशा की तरह इस सब में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था। उसने धीमी आवाज में मायरा से कहा, मायरा, मैं ये गेम नहीं खेलना चाहता हूँ, क्या हम यहाँ से निकल सकते हैं? एटलीस्ट मैं ही चला जाता हूँ। मायरा ने ईशान की बात सुनी और उसे समझाते हुए कहा, ईशान रुको ना, अगर तुम चले गए तो मैं अकेली बोर हो जाऊंगी, क्या तुम अपनी दोस्त के लिए इतना नहीं कर सकते? मायरा की बातें सुनने के बाद ईशान ना चाहते हुए भी गेम खेलने के लिए रेडी हो गया। प्रखर और काव्या की भी अलग ही कहानी चल रही थी। कुछ भी हो जाए, हमें मुक्ता और मिहिर को थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड करवाना है, ओके? काव्या ने कहा। अरे इसी वजह से तो मैं तुम्हारे साथ एक टीम में हूँ, नहीं तो मैं मिहिर की टीम में नहीं होता। प्रखर ने कहा तो काव्या उसे अजीब नजरों से देखने लगी। मिहिर तो अभी भी मुक्ता की तारीफ किए थक नहीं रहा था। मुक्ता का हाथ पकड़ते हुए उसने कहा, बेबी, पहले मुझे लगता था कि तुम एक एंजल की तरह दिखती हो, लेकिन इस रेड ड्रेस में तुम किसी खूबसूरत और कातिलाना एंजल से कम नहीं लग रही। मुक्ता ने ब्लश करते हुए कहा, मिहिर हम बस भी करो, गेम पर अच्छे से फोकस करना, मैं जीतना चाहती हूँ। मिहिर ने मुक्ता की बात पर हामी भर दी, लेकिन फिर से उसे देखने लगा। जब मुक्ता का पूरा ध्यान मिहिर पर था, अचानक से उसका फोन बजने लगा। मुक्ता ने जब देखा कि कौन कॉल कर रहा था, उसके होश ही उड़ गए। ओह गॉड, इस वक्त भाई क्यों कॉल कर रहे हैं? अब मैं इनसे क्या कहूंगी?